ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि जो भी हमने आज तक सीखा है, पैडिंग, मार्जिन, ठीक है, तो उसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी हम सीख लेते हैं ताकि आपको किस तरीके से वेबसाइट बनानी रहती है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक हेडर बनाया है, ठीक है, उस हेडर के अंदर मैंने यहाँ पे नेविगेशन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके सोशल आइकन सा दी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है कि अपना एक हेडर बनाया, मतलब किस तरीके किस क्यों बना रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना जो भी रिज्यूम होगा वो मुझे ऑनलाइन रखना होगा, तो उसके अंदर मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेरी अबाउट, मेरे बारे में क्या लिखा होना चाहिए, उसके बाद स्किल, मेरे पास कौन कौन सी स्किल है, समथिंग मैंने फोटोशॉप आता है मुझे, वर्ड, मुझे फोटोशॉप, HTML, CSS, PHP और जो भी आपको टेक्नोलॉजी आती है वो स्किल के अंदर रहेगी। उसके बाद एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के अंदर आपने कितनी कंपनियों में वर्क किया है, ठीक है, कितने साल वर्क किया है, ठीक है, किस किस पोजीशन पे आपने वर्क किया हुआ है, तो वो सारा इसके अंदर आपको लिख देना है। फिर एजुकेशन, मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो ऑनलाइन पड़ी रहेगी, मतलब आप कभी भी पेज बनाना चाहोगे रिज्यूम तरीके का, ठीक है, रिज्यूम टाइप का, तो आप इस तरीके से पेज आप बना सकते हो। मतलब अभी मैंने ये हेडर ही बनाया है, ठीक है, ये सिर्फ हेडर है, ये तो होम, स्किल, एक्सपीरियंस, उसके बारे में मैंने यहाँ पे नीचे की साइड नहीं लिखा कुछ भी, ठीक है, नहीं उसके बारे में अभी आपको नहीं बताया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हेडर किस तरीके से बनाना होता है वो मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखा रहा हूँ, ताकि आपकी रिज्यूम भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में आप नई चीज़ें भी सीख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको वेबसाइट किस तरीके से बनानी वो भी आपको पता चल जाएगा, सिंपल सिंगल एक पेज को किस तरीके से बनाना होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके का हेडर बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक नया पेज लेना पड़ेगा आई थिंक मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया पेज ले रहा हूँ, ठीक है, उस फोल्डर, एक फोल्डर बना रहा हूँ, इस फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ माई रिज्यूम, ठीक है, इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि index.html, ठीक है, इस फाइल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, index.html, इसके अंदर मुझे HTML के स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो मैं जैसे HTML लिखूंगा एंटर दूंगा तो HTML का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर टाइटल के अंदर आपको क्या रखना है कि आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली रखना है, ठीक है, तो माई नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसके जो नेविगेशन पार्ट रहते हैं वो भी आपको यहाँ पे देने रहते हैं, तो यहाँ पे एक हेडर नाम का सेक्शन रहता है, जैसे हम बॉडी बनाते हैं तो ये भी एक वन टाइप ऑफ क्या हो गया, टैग हो गया, वैसे ही यहाँ पे एक हेडर नाम का टैग होता है, इसको भी आप इसके अंदर भी आप कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास हेडर नाम का सेक्शन हो गया। उसके बाद मैं नीचे की साइड दे रहा हूँ कि मुझे ये जो हमारी मेन सेक्शन है, ठीक है, तो हेडर सेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, उसके बाद अबाउट, स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पोर्टफोलियो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होगी मेन टैग, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे एक मेन नाम का टैग बना रहा हूँ, उस मेन टैग के अंदर मुझे यहाँ पे जो भी हमने दिया हुआ है कि भाई स्किल है, अबाउट है, एक्सपीरियंस, उसके भी अलग अलग सेक्शन चाहिए, ठीक है, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा ना कि इसका अबाउट सेक्शन है, उसके बाद जैसे स्क्रॉल करूँगा तो स्किल सेक्शन है, एक्सपीरियंस सेक्शन है, तो उसके लिए भी एक सेक्शन नाम का टैग आता है, तो ये यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ कि सेक्शन के अंदर एक आईडी दे रहा हूँ और उसका नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अबाउट सेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे देना है स्किल सेक्शन, तो इसको भी कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने दे दिया स्किल सेक्शन, वापिस इसको ही जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे मैंने दे दिया एक्सपीरियंस सेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने अलग अलग तरीके के सेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी तो 5 ही है, अभी इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले, तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं, मुझे यहाँ पे हेडर को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो भी CSS लगने वाली है वो कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा पेज हो जाएगा। उसके बाद तो मैं क्या कर रहा हूँ कि माई रिज्यूम के अंदर से एक नई फाइल बना रहा हूँ, उस फाइल का मैं नाम दे रहा हूँ style.css, ठीक है। अब इस स्टाइल के अंदर जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे मुझे अटैच करवाने, तो उसके लिए अटैच करवाने के लिए इस टाइटल टैग के नीचे मुझे उसकी लिंक देनी पड़ेगी, लिंक, ठीक
ठीक है। फिर यहाँ पे देना पड़ेगा रिले, रिले मतलब किस तरीके की आपकी फाइल अटैच करवानी है, तो स्टाइल शीट नाम की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका नाम दे दूंगा, टाइप के अंदर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी डेटा रहेगा वो सीएसएस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी फाइल कहाँ से आ रही है तो उसके लिए सोर्स देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और सोर्स कहाँ से आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर ही फाइल पड़ी हुई, तो स्टाइल डॉट सी एस एस मतलब ये फाइल हमारी यहाँ पे अटैच हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी स्टाइल मुझे करनी है, इस पेज के अंदर मुझे कहाँ पे लिखनी है हमारे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, तो जो हमारा बॉडी टैग है उसके अंदर किसी भी तरीके की स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मार्जिन के अंदर 0px, मतलब किसी भी तरीके की स्पेस वहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है कि हेडर सेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे इस तरीके से नेविगेशन मेनू बनाना है, क्या बनाना है, इस तरीके से नेविगेशन। पर नेविगेशन मेनू बनाने से पहले बैकग्राउंड में मुझे इस तरीके की एक इमेज सेट करनी है, ठीक है। तो इमेज सेट करने के लिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब इस पेज को भी देख लेते हैं किस तरीके से आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन ब्राउजर करूँगा, ठीक है। तो ये पेज देखो ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, टाइटल के अंदर सिर्फ माई नेम दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। जो आपने टाइटल के अंदर नाम दिया है वही वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये टाइटल अटैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आपको क्या करना है, ये जो बॉडी टैग आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर हेडर के अंदर आपको यहाँ पे एक आईडी देनी है, आईडी का नाम यहाँ पे दे रहा है बॉडी हेडर, ठीक है। अब इसके अंदर बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी है इस टैग के अंदर, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, और यहाँ पे आईडी को अटैच करवाना है, इसलिए हैज लिखना पड़ेगा। उसके बाद बॉडी हेडर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और उसके अंदर मुझे पाथ भी देना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूआरएल। तो मुझे इमेज पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी ना, ठीक है। कौन सी बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो वो किस तरीके से आप ढूंढ सकते हो, तो यहाँ पे आप ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है गूगल के अंदर बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी और इमेजेस के अंदर चले जाना है, यहाँ पे तो बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाई देगी, उसमें से कोई अच्छी सी एक ब्लैक इमेज आपको चूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक बहुत सारी इमेज आपको दिखाई दे रही है, पर बड़ी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करोगे तो इस तरीके से, ये बहुत छोटी है ये नहीं चलेगी, ठीक है। आपको शायद बड़ी इमेज चाहिए, आई थिंक ये चल सकती है, ठीक है। तो इसको सेव इमेज करो, और कहाँ पे स्टोर करवाना है आपको, आपका जो फोल्डर है माई रिज्यूम नाम का, ठीक है, यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर का नाम देना है आपको इमेजेस, और इमेजेस के अंदर इस इमेज को स्टोर करना है बैकग्राउंड इमेज करके, ठीक है। सेव कर दो, सेव करने के बाद वापस आप चले जाओगे अपने कोडिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको पाथ देना है इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। देखो यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर आ रहा है, इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, ठीक है। तो स्लैश करके यहाँ पे आपको देना है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, इतना ही। और .jpg जिस तरीके की उसकी एक्सटेंशन रहेगी वो भी आपको विथ एक्सटेंशन यहाँ पे देनी है, ठीक है। अब जैसे ही आप पेज के अंदर जाओगे, रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमेज है वो समथिंग आ नहीं रही है, एक मिनट उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, HREF, ठीक है।
यहाँ पे एच आर ये पाएगा, ठीक है, सोर्स नहीं आएगा। तो वापिस जैसे रिफ्रेश करेंगे कि यहाँ पे बॉडी हेडर ही मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने बॉडी हेडर ही दिया हुआ है। और उसकी हाइट भी दे देते ताकि पता चलेगा भी कितनी इमेज वो आ रही है। व्यू पोर्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, व्यू हाइट 65, मतलब जो भी उसकी स्क्रीन दिखाई दे रही है उसके मुताबिक वो 65, ठीक है। और ये को यहाँ पे एक इमेज ख़त्म हो रही है तो दूसरी इमेज वापस से ये रिपीट हो रही है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नो रिपीट, ताकि हमारी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होती और एक साथ ही आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आपको देना है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पे देना है कवर, मतलब वो पूरी की पूरी साइज एक साथ रोक लेगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। और उसके बाद आपको देना है बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ताकि वो बीच में आ जाए, ठीक है। देखो सेंटर में आ गए अब, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी आप स्क्रॉल करोगे तो वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो भी आप यहाँ पे फिक्स रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ओके बैकग्राउंड अटैचमेंट आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, ये अटैचमेंट ही था, फिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ओपोसिटी आपकी उसकी करनी पड़ेगी, समथिंग थोड़ी लाइट करनी है तो 7 आप यहाँ पे रख सकते हो, ताकि आपकी इमेज है वो यहाँ पे परफेक्टली सेट हो जाएगी, देखा, ठीक है। आपको थोड़ा डार्क रखना हो तो डार्क भी आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे आप डार्क थोड़ा रखना है तो यहाँ पे थोड़ा डार्क और 0.8 रख सकते हो, जैसे रिफ्रेश करोगे तो थोड़ा डार्क यहाँ पे हो जाए। ओपेसिटी आपको नहीं रखनी तो भी आप नहीं रख सकते, बट ठीक है, अपनी तरीके से आपको इमेज यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, वापस से अपने पेज के अंदर आना है, ठीक है। हमने सिर्फ स्टाइल ही दी है, स्टाइल के अंदर ही हमने सारी चीज़ दी है ताकि हमारा पेज अच्छे से दिख सके, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा कि मुझे जो HTML टैब लिखनी है उसके अंदर मुझे एक नेव बार लिखना है, उसके अंदर UL, मतलब UL जो हमने ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट सीखी थी वही चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या ले रहा हूँ कि एक नेव नाम का टैग ले रहा हूँ, ठीक है, वो भी एक वन टाइप ऑफ टैग ही है। इसके अंदर भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 12, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा LI के अंदर बहुत सारे पार्ट्स, मतलब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ होम टैग, तो होम टैग में कहाँ पे लूँगा, एंकर टैग के अंदर, क्योंकि जब भी मैं क्लिक करूँगा तो वो पेज के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक होम, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे LI बनाने पड़ेंगे, तो होम टैग हो गया, अबाउट हो गया, स्किल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, तो सबके नाम मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे अबाउट, उसके बाद यहाँ पे स्किल, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पोर्टफोलियो, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके पेज को लोड कराऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास मुझे क्या दिखा दे रहा है कि LI के अंदर, मतलब अभी हमने इसके अंदर किसी भी तरीके की CSS नहीं ली है, इसलिए मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है होम, अबाउट, स्किल, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मैं क्या दे रहा हूँ इसके अंदर, जो भी हमारी CSS थी उस CSS को यहाँ पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लास बनाना पड़ेगा, उस क्लास का नाम मैं दे रहा हूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लिस्ट, ठीक है। और तो हॉरिजॉन्टल लिस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से मैं दे रहा हूं। अब मुझे इसके अंदर सीएसएस लिखनी है, ठीक है, तो स्टाइल के अंदर जाना पड़ेगा और यहां पे मैंने जो भी क्लास दिया है हॉरिजॉन्टल लिस्ट, ठीक है, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लिस्ट के अंदर जो भी मेरा डेटा है, ठीक है, वो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो लिस्ट फॉर्म के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो भी लिस्ट उसकी बाय डिफॉल्ट लग रही है, ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल नन, जैसे ही मैं नन करूँगा, ठीक है, लिस्ट की स्टाइल ऑटोमेटिकली हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल आई आ रहा था, डॉट 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 आ रहा था, वो यहाँ से हट गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है कि उसकी पैडिंग भी देनी पड़ेगी, तो पैडिंग में यहाँ दे रहा हूँ 0px, ठीक है, 0px देने के बाद उसकी जो मार्जिन देती है वो भी मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे मार्जिन में यहाँ पे दे रहा हूँ 0px, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 0px दूंगा तो सबकी देखो यहाँ पे हाइट हट रही है, सारा कुछ निकल जा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो भी मैंने हाइट दी हुई है उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने हाइट यहाँ पे किस फॉर्म में दी है कि li के अंदर दी हुई ना, तो li के अंदर मुझे पहले क्या रखना पड़ेगा कि डिस्प्ले, मतलब बाजू बाजू में लाने के लिए, साइड में लाने के लिए मुझे उसके लिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखना पड़ेगा, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर मुझे क्या रखना पड़ेगा, डॉट हॉरिजॉन्टल लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा li, li के अंदर मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल लिस्ट li, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जैसे मैं इनलाइन ब्लॉक दूंगा तो जो भी डेटा हॉरिजॉन्टली हमारा आ रहा था वो वर्टिकली हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जो भी डेटा है उन सब के बीच में मुझे हाइट और विड्थ चाहिए, ठीक है, मतलब थोड़ा दूर दूर आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मार्जिन, ठीक है, टॉप में से मुझे लेंथ नहीं चाहिए, तो हाँ मार्जिन के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा मार्जिन टॉप में से मुझे नहीं चाहिए इसलिए 0px, लेफ्ट में से चाहिए इसलिए 8px, या फिर आप 10 भी यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद नीचे से भी चाहिए, ठीक है, तो 10px, फिर राइट साइड मुझे कोई भी डेटा नहीं चाहिए, कोई भी लेंथ नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0px। तो ये क्या हो जाता है, हमारा टॉप, राइट साइड, बॉटम और ये हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है। वो जब आपने मार्जिन पढ़ा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, देखो सबके बीच में क्या आ गई, थोड़ी थोड़ी स्पेस आ गई ना, ठीक है। अब इसके कलर को चेंज करने की बारी है, तो कलर को हम चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे li के अंदर उसकी जो डेकोरेशन है, मतलब उसके अंदर जो अंडरलाइन आ रही है उसको भी हटाना है और उसका कलर है उसको भी चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लिस्ट li के अंदर एंकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ वाइट और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब उसकी जो अंडरलाइन आ रही थी हर एक टेक्स्ट के नीचे वो यहाँ से ऑटोमेटिकली उसका कलर हो जाएगा वाइट, देखो इस तरीके से, ठीक है। और जो भी डेटा है वो मुझे कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए ना, तो सेंटर में लाने के लिए मैं एक अलग से यहाँ पे क्लास बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, अलग से एक क्लास बना रहा हूं टेक्स्ट सेंटर, सेव कर दिया, स्टाइल के अंदर हम चले गए और यहां पे मैं एक अलग से क्लास बना रहा हूं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। कभी भी हमें सेंटर में कोई भी चीज चाहिए तो ये क्लास हम वहां पे लगा सकते हैं, इसलिए तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे मैं सेव करूंगा तो हमारा जो भी डेटा लेफ्ट साइड में आ रहा था वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये पता चल गया आपको
अब आपको क्या करना है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, देखो इसके अंदर भी ऐसा ही है, जैसे होवर करूंगा तो इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो रहा है, उसके अंदर अंडरलाइन आ रही है रेड कलर, तो इसके भी ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, सबके ऊपर आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर होवर कर, तो हमारे पेज के अंदर अभी नहीं आ रहा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि जैसे ही मैं हमारी जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर जैसे ही मैं होवर करूँगा, ठीक है, तो उसका कलर यहाँ पे चेंज होना चाहिए। कलर हमारा क्या कर सकता हूँ मैं, लाइट ग्रे, और उसकी जो बॉटम बॉर्डर है उसके अंदर चेंज मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये भी जो भी हमारी होवर टेक थी ये वाली, इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे इसके नीचे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। तो होवर के अंदर यहाँ पे मैं कलर लिख सकता हूँ अपने तरीके से, रेड कुछ भी आप रख सकते हो, और बॉर्डर, बॉटम, बॉटम बॉर्डर मुझे चाहिए यहाँ पे 1px सॉलिड रेड, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो, जैसे ओवर करूँगा तो इसका कलर रेड हो रहा है, जिस पे भी ओवर करूँगा उसके अंदर चेंजेस मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने नेविगेशन यहाँ पे अच्छे से दे दिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये नाम जो है उसको सेट करना है, ठीक है। तो नाम कहाँ पे सेट कर सकते हो, ये जो आपका नेव बार खत्म हो रहा है, मतलब नेव आपने जो टैग बनाया था उसके बाद एक और टैग बनाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है अपना नाम, मतलब जो भी रिज्यूम अपलोड करा है उसका नाम तो होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका नेव टैग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसके नीचे की साइड यहाँ पे एक डिव बनाएंगे सिंपल सा, ठीक है, इस डिव को मैंने क्लिक क्लोज कर दिया, ये हमारा मेन डिव था। उसके बाद उसके अंदर ही वापस एक डिव बनाएंगे ताकि हम सेंटर में उस टेक्स्ट को ला सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डिव, और यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर, जो भी हमने अभी बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैं बना रहा हूँ H1 टैग, क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, H1 टैग, ठीक है, और H1 टैग के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया माय नेम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही आप सेव करोगे और रन करोगे तो यहाँ पे आपको देखो माय नेम आ रहा है ना, ब्लैक कलर का आ रहा है, ठीक है, अभी आपने, क्योंकि हमने इसके ऊपर किसी भी तरीके की CSS अप्लाई नहीं की है, ठीक है, इसलिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मुझे CSS अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मुझे उसके क्लास भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्लास देने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके जो नाम है उसकी हाइट रखनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे यहाँ पे जो उसकी हाइट दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही हमने इसकी हाइट दी है 65 UPort, तो इसके लिए भी उसकी उसकी मुझे उसकी हाइट यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई क्लास मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको, या फिर आप उसकी आईडी भी दे सकते हो। ओके, एक मिनट, ओके, उसकी हाइट यहाँ पे देने के लिए सोशलाइज, हमारी जो हाइट है, नाम है, उसको अटैच करवाने के लिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसका एक, उसकी एक आईडी दे रहा हूँ, उस आईडी का नाम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, सोमवार 7 बजे, नंबर
नंबर लखवा दो, 99 एक 37 65 7 65 7 76 76 दीपक भाई ठीक है। तो यहाँ पे क्या टैक्स सेंटर जो भी मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है, शेयर नहीं हो रहा, ओके। तो यहाँ पे मुझे पहले तो क्या देनी पड़ेगी, उसकी एक आईडी देनी पड़ेगी कि जो भी हम डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सोशल आइकन है वो भी मुझे अटैच करवाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सोशल आइकन है और इसका साथ में क्या है, नाम है। तो ये पूरा जो ब्लॉक बना रहे वो दोनों के लिए है, नेम और सोशल आइकन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा कि क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नेम सोशल आइकन इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हाइट है उसकी हाइट मुझे मेंशन करनी पड़ेगी उसकी सीएसएस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ इस तरीके से, और उसकी हाइट में यहाँ पे दे सकता हूँ 20 व्यू पॉइंट हाइट, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो इसकी हाइट यहाँ पे चेंज होगी थोड़ी बहुत, ओके। यहाँ पे मैंने आईडी बनाई है तो यहाँ पे हैज मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो नेम सोशल आइकन यही चीज मैंने यहाँ पर भी दी है आईडी, तो उसकी हाइट यहाँ पे ओके लग गई है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लगाने पड़ेगी, उसकी जो हाइट है उसका जो नेम है वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं उसका क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, उस क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माय नेम, ठीक है, माय नेम नाम का ताकि मीनिंगफुल नाम रहे, ठीक है। तो माय नेम की क्लास मुझे यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी डॉट माय नेम इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे सारी सी एस एस अटैच करवानी पड़ेगी, तो अटैच करवाने के लिए आपको वहाँ पर उसकी फॉन्ट साइज, ठीक है, तो फॉन्ट साइज लिखनी पड़ेगी, उसकी कलर, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं दे सकता हूँ फॉन्ट साइज 3 IM, उसकी जो कलर है उसको मैं दे सकता हूँ यहाँ पे वाइट। जैसे मैं इतना चीज़ लिखूँगा यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सी एस एस यहाँ पे अटैच करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी स्पेस बीच में चाहिए तो लेटर स्पेसिंग आप दे सकते हो यहाँ पे 0.1, ठीक है, 0.1 rem, और उसकी जो मार्जिन होती है नीचे की साइड से, ठीक है, वो भी यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ rem, उसके बाद यहाँ पे आपको देना है लेटर स्पेसिंग के अंदर बॉर्डर बॉटम, यहाँ पे आपको देना है मार्जिन बॉटम 0.5 rem, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी जो फॉन्ट वेट है थोड़ी बोल्ड करनी है, तो यहाँ पे आपको देना है फॉन्ट वेट 700, ठीक है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। और ये आप यहाँ पे मार्जिन टॉप भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मार्जिन टॉप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आ जाएगा सेंटर में जहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा माय नेम हो गया, या फिर आप माय नेम या योर नेम भी लिख सकते हो। उसके बाद मुझे इसके नीचे की साइड मुझे अपने आइकन सेट करवाने हैं, ठीक है। तो
आइकन सेट करने के लिए भी मुझे यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, ठीक है, ये जो H1 टैग, ये जो टैक्स सेंटर मुझे दिख रहा है, ठीक है, टैक्स सेंटर, उसके नीचे एक नया डिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डिव। उसके अंदर वापस UL, LI और एंकर टैग वैसे मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा डिव है, इसको ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक मैंने नया डिव बनाया, इस डिव को यहाँ पे ख़त्म कर दो। यहाँ पे वापिस से अनऑर्डर लिस्ट हमें बनानी है, इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर वापिस से हम LI बनाएंगे, ठीक है, इस LI के अंदर हम एंकर लिंक बनाएंगे, ठीक है। HRF के अंदर यहाँ पे मुझे अभी कुछ लिंक नहीं देनी, इसलिए मैं हेल्प दे रहा हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे मुझे फॉन्ट ऑसम में से आइकन चाहिए, यहाँ पे आप आइकन भी सेट कर सकते हो या फिर फॉन्ट ऑसम में भी जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फॉन्ट ऑसम का अकाउंट है वो पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब फॉन्ट ऑसम के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको आइकन के अंदर जाना है, ठीक है। तो उसकी जो CDN देती है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसकी जो लिंक रहती है आपके पेज के अंदर, उसको सेट करनी पड़ती है, तभी आपको मिल सकती है। तो पहले जाने आपको स्टार्ट के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आपको किट देगा, ठीक है, मतलब उसकी लिंक देगा, ठीक है। तो लिंक देने के लिए यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आपकी जो भी ईमेल आईडी है उसका यहाँ पे आपको पासवर्ड, ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, RNW, आपकी जो भी ईमेल आईडी है, पहले आपको ईमेल बनाना पड़ेगा। ईमेल बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगी, ठीक है। मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा और ठीक है, तो जैसे लॉगिन करूँगा तो इस तरीके से मुझे डिटेल दिखाई देगा, फिर मुझे जाना है यहाँ पे स्टार्ट के अंदर, ठीक है। और स्टार्ट के अंदर जाने के बाद मेरे पास ऑलरेडी ये किट है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये किट है, तो व्यू ऑल किट पे क्लिक करूँगा तो मुझे उसकी लिंक होगी वो दिखाई देगी यहाँ पे। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरी किट थी। आप इसको भी इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मेरी जो स्क्रीन किट है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसको कॉपी करना है, इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपकी जो पेज है उसके ये जो लिंक है ना उसके नीचे आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। आपको पहले जीमेल के अंदर, फाउंडेशन के अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी वो आपको लिंक, आपकी जो किट होगी वो आपको देगा, वरना वो देगा नहीं। ये आपको चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मिले, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे आइकन्स के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना है, पहले कौन सा आइकन था हमारा, लिंक्डइन का था, तो यहाँ पे आपको लिखना है लिंक, ठीक है। तो लिंक्डइन की आइकन यहाँ पे आई थिंक आ जाएगी, देखो आ गई। तो इसको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से घूमेगा, और यहाँ पे देखो आई क्लास के अंदर आपको दिखाई देगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी करने के बाद आपको इसको रखना है आपकी जो एंकर टैग है इसके बीच में, यहाँ पे इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद वापस अपने पेज के अंदर जाओ, जैसे रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका आइकन, कहाँ पे आ रहा है, इस लिस्ट के अंदर आ रहा है। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे लिंक, इसके अंदर जैसे ही हमने क्लास लगाई थी, वैसे ही हम इस तरीके की क्लास UL के अंदर कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पहले तो क्लास, और उसके अंदर इसको पेस्ट करना है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो अपने आप ही अपनी जगह पर वो आ जाएगा, मतलब पुरानी क्लास ही हम यूज़ करेगा, हमें नए क्लास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप जितने भी क्लास बनाना चाहते हो यहाँ पे इस तरीके से LI के फॉर्म में कॉपी करो, ठीक है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आप उसको रख सकते हो पेस्ट।
वापिस पांच आपको रखने हैं किसी भी आइकन को, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या था यहाँ पे, गूगल प्लस। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है, यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो गूगल प्लस का आइकन, तो वो आइकन आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक, वापिस से रिलोड करना पड़ेगा। तो इसको वापस जैसे क्लिक करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा, कॉपी होने के बाद वापस आपको रखना है उसको अपनी जगह पर, ठीक है। तो इसको आपको रखना है यहाँ पे, पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करोगे, अपने पेज के अंदर जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो वापस ये आ जाएगा। देखो गूगल प्लस का आइकन आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वापस से फेसबुक का आइकन चाहिए, तो वापस यहाँ पे आप फेसबुक का आइकन ढूंढ सकते हो, ठीक है। कौन फेस बुक, ठीक है। वापिस से इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापिस से इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइकन अच्छी तरीके से सेट कर सकते हो, ताकि आपका जो हेडर पेज है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। इसको सेट आप करो, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आप अपनी तरीके से कुछ भी लगा सकते हो, अपना नाम यहाँ पे सेट कर सकते हो, आपकी जो भी प्रोफाइल है वहाँ पे लिंक आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेडर पेज, उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम अबाउट, स्किल और एक्सपीरियंस जो भी हमारे सेक्शन है उसको बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। और भी डाउट्स हो या प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना, ताकि आप जो एरर हो अच्छे से सॉल्व हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ठीक है, थैंक यू।